महान योद्धा, नायक, विद्वान, समाज सेवी और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरण है। वे एक मनीषी योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाज सेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत के कल्याण की कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे, उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का संकल्प था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में सूबेदार रामजी सकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर जाति से दलित थे, उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किल में व्यतीत हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका नाम सकपाल की बजाय आबंडवेकर लिखवाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे कोंकण के अंबाडवे के गांव के मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सकपाल का नाम आबंडवेकर उपनाम से स्कूल में दर्ज किया गया। अब बाबा साहब का उपनाम आबंडवेकर था। बाबा साहब से कृष्णादेव महादेव अम्बेडकर नामक एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने बाबा साहब के नाम से आबंडवेकर हटाकर उसमें अपना उपनाम जोड़कर अम्बेडकर जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम भीमराव अम्बेडकर हो गया, जिसके बाद हम उन्हें अम्बेडकर बोला जाने लगा। बताया जाता है कि 1898 में पुनर्विवाह के बाद वे परिवार के साथ बम्बई यानी मुंबई चले गए। यहाँ एल्फिस्टन रोड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले ऐसे छात्र थे जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड समग्र स्वभाव का मणिकांचन मिल था। संयोगवश भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। वे अत्याचार और लांछन की तेज धूप में टुकड़ा भर बादल की तरह भीम के लिए माँ के आंचल की छांव बन गए। बाबा साहब ने कहा, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की रणभेरी गूंज उठी, समाज को श्रेणीविहीन और वर्णविहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणीविहीन ने इस इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिसके पास कुछ भी नहीं वे लोग दरिद्र माने गए, जो कुछ भी नहीं वे दलित समझे जाते हैं। बाबा साहब ने संघर्ष का बिजुल बजाकर आह्वान किया, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की गौरव बुद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा है। उनका हिंदुत्व दीवारों में घिरा हुआ नहीं, बल्कि गहिष्णु व सहिष्णु व चलिष्णु है। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने भीमराव अम्बेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा हेतु भेज दिया। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन बाबा साहब ने किया। वहाँ पर भारतीय समाज का अभिशाप और जन्मसूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिक नहीं थी, इसलिए उन्हें अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। डॉक्टर अम्बेडकर ने अमेरिका के एक सेमिनार में भारतीय जाति विभाजन पर अपना मशहूर शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा भारतीय संविधान की रचना हेतु कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में ही नहीं था, अतः सर्वसम्मति से डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर पर हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर का लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना। डॉक्टर अम्बेडकर ने गहन गंभीर आवाज में सावधान किया, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। जल्द से जल्द हमें इस परस्पर विरोधता को दूर करना होगा, वरना जो असमानता के शिकार होंगे वे इस राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगी। अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो वो क्या कर रहे होते?
आरक्षण पर शुरू से ही अपनी नजर रखते, इसके साथ ही आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव वे चाहते। वे दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फायदा कतई नहीं होने देते, क्योंकि अब यह जरूरत नहीं बेजा फायदा था। आरक्षित कोटे से एक अवसर पाने वाले दलित परिवार बेहतर आर्थिक और शैक्षणिक स्तर हासिल कर चुके थे। बाबा साहेब इसे सामान्य वर्ग में ही मानते थे। गरीब सिर्फ दलितों में नहीं, गांव के लाखों परिवार भी थे, उसी लंबी गुलामी की पैदाइश थे। इसके अलावा भूमिहीन गरीब और मजदूरी पर आश्रित थे। अगर बाबा साहब होते तो इसको नज़रअंदाज कतई नहीं करते। वे पहले शख्स होते जो 20 साल बाद आर्थिक आधार पर सबका साथ सबका विकास चाहते। तब ऊंची जाति के उपेक्षित और प्रतिभाशाली लोग भी सिर्फ उन्हीं की शरण में जाते और वे ही सर्वोत्तम न्याय संगत रास्ता निकालते। वे अनुसूचित जाति जनजाति के नौकरी प्राप्त अफसर कर्मचारियों के संगठन बनाए जाने के खुलकर खिलाफ होते। वे कहते, आरक्षितों के संगठन बनाकर आरक्षण को राजनीतिक ढाल मत बनाइए, वरना हम दिशा भटक जाएंगे। आप मजबूत हो जाइए तो दूसरे कमजोरों की सहायता कीजिए। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले बाबा साहब अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए। ये भी सोचने का विषय है। भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे जिन्हें समाज उस समय अछूत मानता था। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के भी खिलाफ थे। तो ये थी बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र चौधरी। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है और भारत टाइम्स न्यूज़ उनके चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करता है, उन्हें नमन करता है, ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने अछूत, भेदभाव, दलित और शोषित लोगों को समाज में, इस देश में आगे आने का मौका संविधान में दिया, और उन्हीं की बदौलत आज एक छोटा व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी भारत के अंदर किसी भी पद पर जाने की आस उम्मीद कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।